क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है यार? मुझे जल्दी भागना होगा यहाँ से, कि भाई भूतिया जगह। एक मिनट, वो क्या है? वो कोई आत्मा मुझे लग रही है यार। तो ये कोई मिथ नहीं है, सच्चाई है। मैंने इसको पूरी तरह से पता कर लिया है। मुझे जाके पास से देखना होगा कि मसला क्या है। वैसे देखो तुम, फिर से मैं तुमसे कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो यार। कुछ भी हो सकता है, उसके पास जाने में वो एक भूत है, शैतान है, एक आत्मा है। लेकिन उसके पास जाने से पहले मुझे उस पर बंदूक तानी रहनी होगी यार। ऐसा लगता है मधुमक्खी का छत्ता हो यार, यहाँ पे तो खून भी पड़ा हुआ है। इसको गोली मार के देखता हूँ। ये ले, अरे कुछ नहीं हो रहा यार। इस पार्ट में सुनो यार, मैं थोड़ा सा बात। हाँ बोले, क्या हुआ यार? देखो हमको पता है क्या करना है। क्या? पहले सुन तो लो, तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? बिल्कुल बेकार बालक हो गया हो तुम। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैं कनपट्टा में मारेंगे, समझ रहे हो? नहीं बोले ना, सुनते रहे, टाइम पास कर रहे हो, मतलब खड़े हो गए यहाँ पे, क्या हुआ बताओ ना। देखो हम ही कह रहे हैं कि यार लॉस सैंटोस के अंदर कुछ ऐसे काल्पनिक चीजें हैं जो लोगों ने उड़ा उड़ा कर लोगों को डरा कर रखा है यार। जैसे क्या यार फ्रैंकलिन? जैसे कि ये लोगों को लगता है कि GTA 5 के अंदर स्पाइडरमैन आराम से उड़ सकता है। हाँ तो उड़ सकते हैं, उड़ के दिखाओ हमको। अभी तुम्हारा भांडा फोड़ेंगे। अबे उड़ के दिखा देंगे तुम हमको, एकदम चूरन समझे होगा? चूरन तो नहीं समझे, लेकिन तुम उड़ नहीं सकते, इतना हम जानते हैं। क्रेन से अगर तुम उड़ के दिखा दो तो हम समझ जाएंगे। एक काम करो, तुम नीचे जाओ, देखो उड़ के दिखाते हैं। ठीक है बरकुरदार, हम जा रहे हैं, लेकिन ध्यान में ही सुनो माँ बात, कि तुमको जाले भी झूलना है ना, के तुमको उड़ना है। अभी तो कुछ और बोले थे। हाँ जो बोले थे, लेकिन तुमको जाला निकालना अपने हाथ से। चलो ठीक है, ये भी करके दिखाई देंगे। तो ठीक है, मकड़ मानो, कूद जाओ ऊपर से, आवाज आ रही है ना हमारे। अरे यार जो उसने उससे चैलेंज ले लिया, पता ना हाथ से मकड़ा निकलेगा नहीं, मतलब जाला निकलेगा नहीं, हमको पता भी नहीं। अबे यार न जाने कितना इंतजार करवाएगा। मक्कड़ मानो कूदो। तो 1 2 3 अरे निकल, नहीं 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 नहीं, मैं अगर नीचे गिरूंगा तो बहुत दर्द होगा यार। निकल अबे, चाला निकल अबे भाई, कहीं से तो निकल जाओ। काम हो गया तमाम। देखो तकनीकी तौर पे तुम यार झाला नहीं निकाल सकते GTA 5 में, सब साफ हो गया। अरे यार लगता है स्क्रिप्ट नहीं इंस्टॉल। देखो यार बहाना होना ना बनाओ, हम तुमको बांधने जा रहे हैं, ठीक है? मतलब बांध रहे हैं खतरनाक तरीके से। अभी क्या कर रहे हो तुम? तुमको नीचे ले जाते हो, अभी फेंक देंगे साले। देखो स्पाइडरमैन तुमसे जी भर चुके, तुम अपना सूट हमको दे दो, अभी हमको बहुत सारी काल्पनिक चीजों को जाके भांडा फोड़ना है, ठीक है? हम ना देंगे अपना सूट। अबे दे दो चुपचाप, मुंडा खराब करो, समझोगे नहीं? चलो जाओ। अबे मतलब सूट दे क्या? अबे सूट दे के जाओ, हम ना देंगे सूट। तो फिर ये ले, हां चुपचाप दे दो साले सूट। अरे लोगन क्या भाग रहे सब? अरे बच गया, अब दे दो चुपचाप। कोई बात नहीं स्पाइडरमैन, इस सूट को तुम्हारे शरीर से हम निकाल लेंगे। वैसे तुम पता नहीं स्पाइडरमैन हो भी नहीं। अबे हमारा तो कट गया यार, पीटर पार्कर नहीं रहे, पता नहीं कौन सड़क छापता साला। खैर कोई बात नहीं, हम ठीक बंदे को मारा, हमको सूट मिल गया। देखो दूसरी काल्पनिक चीज मिथ ऐसा है कि जो कि बहुत खतरनाक है, सबको लगता है कि स्पाइडरमैन ट्रेन को रोक सकता है। देखो स्पाइडरमैन का सूट हमारे पास है, पावर तो नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे मेट्रो को रोकने की। तो तुम लोग एक काम करो, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो, जल्दी करो जल्दी फास्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी उस ट्रेन को रोकने में, मतलब उस मेट्रो को। अरे यार मुझे जल्दी इस मेट्रो को रोकना होगा। मेट्रो पता नहीं कौन सी दिशा में जा रही है, उसके ड्राइवर पता नहीं है कि नहीं अंदर, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सारे मासूम लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं यार। तो ठीक है, जैसे स्पाइडरमैन ने ट्रेन को रोका था असली वाला, वैसे मैं भी रोकूंगा। तो ठीक है आ जा ट्रेन, अब तो तुझे रुकना ही होगा। ये तो रुकी गई यार ऑटोमेटिक। चलो छोड़ो यार ट्रेन वाली बात, जाने तो पता नहीं कैसे ही हो गए, हमको पता भी नहीं है। और हमने ये भी सुना है कि यार किसी स्ट्रेंजर के साथ अगर कोई लिफ्ट ले तो पता ले जाकर कहाँ छोड़ देते हैं। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। यार चल निकल यहाँ से। तो इनसे लिफ्ट मांगते हैं, कौन है? मोटू महाराज। भाई साहब सुनो यार, थोड़ा लिफ्ट दे सकते होगा? भैया लिफ्ट चाहिए? चलो भाई जाओ। अरे आगे बढ़ो, बस खड़े ही रहियो। अरे यार रुक जाए, सिग्नल उठ जाए पहले। सिग्नल का इंतजार कर रहे हो क्या यार? वैसे तुम्हारी लिफ्ट खतरनाक है। कहाँ जाना है पहले बताओ आपको? तुम जहाँ जा रहा हूँ ले चलो हमको। और का स्पाइडरमैन? हाँ स्पाइडरमैन, सबका प्यारा सबका न्यारा स्पाइडरमैन। लॉस सैंटोस में कहाँ रही तो भाई साहब तुम? अरे भाई तुम फिर से रोक दियो यार, सिग्नल है सिग्नल। अब देखो यार तुम दिमाग खराब कर रहे हो माँ, बाकी निकल यहाँ से। लो हाँ अब सही है। अरे यार ये भी ये वाला मिथ है। अबे ओए ट्रक वाले साले, मेरे कहने का मतलब ये कि मिथ फेल हो गया यार ये वाला भी। तो भाई मैंने ये भी सुना है कि अगर हाईवे पे किसी से लिफ्ट लो तो ले जाकर तुम्हें एक भूतिया जगह पे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में। बटवा बताओ कहाँ जाओगे तुम? चाचा हमको कहीं जाना नहीं है, हमने सिर्फ एक काल्पनिक कहानी सुनी है कि अगर इस हाईवे पे किसी से लिफ्ट लो तो ले जाकर कहीं भूतिया जगह पे छोड़ देते हैं। नहीं बिल्कुल सच्ची बात नहीं, झूठी है, बिल्कुल अफवाह है, खतरनाक वाली। अच्छा वैसे ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हो? अरे हम बताइए घूमते रहे थे। वैसे कार किसकी है? आपकी कार है? नहीं हमारी नहीं है भाई, बस है कार किसी। अरे किसकी ये बताओ ना यार, चुपचाप बैठे रहो समझोगे ना? ठीक है बैठे हैं। चलो चाचा ये बताओ रात होगी तुम कहाँ घुमा रहे हो हमको, कहाँ ले जा रहे हो तुम पहाड़ के ऊपर? तुम बस बैठ के देखते रहो बस। अरे तुम फाटक तोड़ डालो यार आराम से। अरे 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 आराम से चलो। अरे ओए अबे चाचा पहले ये बताओ तुम्हारा दिमाग तर पे है कि नहीं, तुम हमको कहाँ ले जा रहे हो? तुमको पहले ही सोचना रहा, तुमको बैठे पहले तो किस बात को हम पूरी तरह से जानना चाहते थे कि आखिर तुम लोग कहाँ ले जाते हो, किसको मुझे बता दो, नहीं तो ये फेंक दूंगा तुमको उठा के। तुम मुझे फेंकोगे? अभी मैं बताता हूँ। अरे यार उस बुड्ढे ने मेरे ऊपर गन तानी, मुझे गन दी, मुझसे बोला कि यहीं पे तुमको सर्वाइव करना है। मुझे किस तरह का सर्वाइव करना है यार, यहाँ पे आखिर है क्या? कुछ समझ में नहीं आता कि वही भूतिया जगह। एक मिनट वो क्या है,
वो कोई आत्मा मुझे लग रही है यार। तो ये कोई मिथ नहीं है, सच्चाई है। मैंने इसको पूरी तरह से पता कर लिया है। मुझे जाके पास से देखना होगा कि मसला गया है। वैसे देखो तुम, फिर से मैं तुमसे कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो यार। कुछ भी हो सकता है, उसके पास जाने में वो एक भूत है, शैतान एक आत्मा है, लेकिन उसके पास जाने से पहले मुझे उस पर बंदूक तानी रहनी होगी यार। ऐसा लगता है मधुमक्खी का छत्ता हो यार, यहाँ पे तो खून भी पड़ा हुआ है। इसको गोली मार के देखता हूँ। ये ले अरे कुछ नहीं हो रहा यार। मतलब सचमुच की आत्मा यार, किसी ने कोई पोस्टर नहीं लगाया यहाँ पे डरवाने के लिए। ये काफी खतरनाक हो सकती है, मुझे यहाँ जल्दी निकलना होगा, नहीं तो मेरा बुरा कर सकती है, मेरा नुकसान पहुँचा सकती है यार। अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है यार, मुझे जल्दी भागना होगा यहाँ से। बस चुप कर, अपनी मांगना खराब कर, चुप कर। अरे अरे यार मेरे पास पैराशूट नहीं होता तो आज मैं यहाँ से गिर के मर जाता यार। अब ऐसे किसी तरह के मित को मैं जानने की कोशिश नहीं करूंगा, नहीं तो अपने जान से हाथ धो बैठूंगा यार। देखो मुझे भूतिया चीजों को जानना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं दूसरे एक और लोकेशन पे आया हूँ। यहाँ पे भी माना जाता है कि इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक या फिर डेंजर जो भी हो एक इंसान रहता है, और वो रेल की पटरी पे पड़ा रहता है यार। अब देखते हैं कितनी सच्चाई इस बात में। लेकिन इससे पहले मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि ऐसी चीज जानने की कोशिश नहीं करूंगा यार, लेकिन मजा तो इसी में है। चलो देखते हैं। तो मैंने सारे बॉम्ब लगा दिया, बस अब दरवाजा उड़ाना है यार। तो 1, 2, 3 सही है, मस्त एक नंबर। देखो अब भी अगर तुमने कंजूसी करके लाइक नहीं किया तो कर दो यार, मैं इतनी खतरनाक जगह जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, लेकिन तुमने वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार। तो अब आवाज देता हूँ कि कोई है कि नहीं अंदर सच में, कि सिर्फ ये एक अफवाह है। भाई कोई है, कोई है अंदर, कोई सुन रहा है मेरी बात? कोई सुन ही नहीं रहा यार, हमको नहीं लगता कि अंदर कोई हो सकता है यार। लेकिन मेरा लॉजिक कहाँ गया यार, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, वो भूत है, वो तो आ सकता है। एक मिनट ये कौन है? ये तो सच में एक पटरी पे पड़ा हुआ इंसान है यार, लेकिन इसकी मुंडी कहाँ गई? अब मुझे कुछ हॉरर फील हो रहा है, खतरनाक फीलिंग आ रही है यार। ये भी बहुत बिल्कुल सच है यार, भूत वाली जितनी बातें होती है सब सच्ची होती यार। तब इस कहानी को यहीं पे खत्म करते थे, इसको जलाकर ज्यादा सही रहेगा भाई, बेहतर रहेगा। तब दूर जाता हूँ और इसको बुला देता हूँ, उड़ा देता हूँ। मर जाओ सर आप इस शैतान, मर जाओ, खत्म हो जाओ। अरे ये तो जला भी नहीं यार, मुझे देखो यहाँ से भागना होगा, कुछ गलत होने वाला है। अरे यार लग तो इस तरह जैसे कोई पीछे देख रहा है। ये कौन है सामने? अरे बाप रे, खैर देखो जो भी हुआ, लेकिन ये मिथ बिल्कुल सच्चा है कि यहाँ पे कोई खतरनाक आदमी रहता है, लेकिन हम उसको उड़ा दिए साले को। अब यहाँ से जल्दी भागना होगा, ठीक है, फिर से वो जिंदा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। माना जाता है इस खदान में बहुत सारे सोने गड़े हुए हैं, एक तरह का ट्रेजर टाइप का है, तो हम उसी का पता लगाएंगे यहाँ पे, देखेंगे कि सच है कि झूठ है, लोग ऐसी अफवाह फैलाए हुए हैं, लोग ऐसी मिथ बनाए हुए हैं। इसका भांडा फोड़ने के लिए या फिर इसको एक्सपोज करने के लिए हमें चाहिए कुछ इक्विपमेंट्स, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा यार। मिल गया, ठीक है यार, यहाँ की मिट्टी नहीं फौलाद है, कब से खोद रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा, बस बिल्कुल ऐसे ही देख रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा यार, कोई फायदा नहीं इसको खोदने से। इसका मतलब ये कि खजाना किसी को नहीं मिल सकता, ये श्रापित है, छोड़ते हैं इसको भी। तो अब एक चीज और चेक कर लेते हैं, अपना कट्टा ले जाकर इन पुलिस वालों को दिखाते हैं, देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। अबे भाई हमारे हाथ पे कट्टा है, कुछ बोलोगे नहीं का तुम लोग? लाइसेंस ही नहीं है भाई। अरे सुनो यार, इन लोग की आवाज नहीं यार, एक दूसरे में बस पतन कहा कर रहे हैं, तो पाएगा बिल्कुल से इन लोग। हिंदू पुलिस वाले देखते हैं इन लोग थोड़ा नॉर्मल लगते हैं, तो देखते हैं इन लोग क्या रिएक्शन रहता है। सुनो यार, ए ऑफिसर सुनो यार, तेरी दम खराब कर रहा है साला, ये चल चला दे, भागते जल्दी से। अरे यार इस टकले को भी फोड़ देते, अबे टकला रुक रुक, अबे कहां भाग रहा है तू, कट्टा से चल नहीं रही है। अबे लग, अरे भैया 3 स्टार लग गया, हमको जल्दी भागना होगा यार। इनका देख लो अभी भी बात कर रहे हैं, तेरी टकलो की, हाँ ये ले तुम भी लो, बहुत देर से तुम्हारी बात चल रही है, तो जल्दी से बैठ के यहाँ से भाग लेते हैं यार। बैठते हैं फिर, चल स्टार्ट हो रे, हाँ भाग लेते यार, जेल में चले जाएंगे। अरे ओए अरेस्ट कर लेंगे, अरे मोहतरमा दी गया यार, मारना नहीं चाहते लेकिन कहा करे तुम लोग सामने आ रही हो। तो ये वाला मित्र तो बिल्कुल खतरनाक वाला मित्र है यार, हालांकि गन दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार इनको परेशान करने में काफी दिक्कत होती है, देख रहा हूँ मैं पीछे पकड़ ली एकदम। अरे ओए अरे यार वैन तो दिमाग खराब करे, हमको कहीं वैसी जगह घुस जाना है जहाँ पे ये मुझे पकड़ ना पाए, जहाँ पे मुझे देख ना पाए, नहीं तो इसे पीछे पड़े रहेंगे यार। हाँ भाई बच गए हैं बहुत साफ, लेकिन एक बात तो यार कि अच्छी तरह से हमने मिथ को सॉल्व नहीं किया, उसके लिए हम बहुत बहुत माफी मांगते हैं आपसे, तहे दिल से माफी मांगते हैं। उम्मीद करते हैं अगली बार अच्छे सॉल्यूशन ढूंढेंगे और मस्त मिथ को बस्ट करेंगे, मतलब कि उसको एक्सपोज करेंगे, ठीक है। गुड बाय।